भारत की मीडिया के आधार स्तंभ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता से जुड़े मुद्दों को बिना किसी शोर शराबे के बड़ी सहजता से उठाने में माहिर रवीश कुमार सिर्फ पत्रकारों के लिए ही नहीं, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श प्रेरणा स्रोत है। तकरीबन 27 साल NDTV में बिताने के बाद जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके समर्थन में इंटरनेट कहो या सोशल मीडिया, एक बाढ़ सी आ गई। इस्तीफा देने के संदर्भ में जारी अपने वीडियो में उन्होंने बताया कि अब वे अपनी बात जन मुद्दों को YouTube और अन्य सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करेंगे। इस्तीफा देने से पहले जहां YouTube पर उनके 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, इस्तीफे के बाद 22 लाख से ज़्यादा हो गए और उनके वीडियो को 66 लाख बार देखा गया। अपने वीडियो में रवीश कुमार ने कहा, चिड़िया का घोंसला कोई ले गया, विदा होती दुल्हन जब पीछे मुड़कर देखती है, जैसी पंक्तियों ने सभी को भावुक कर दिया। यही नहीं, रवीश कुमार के समर्थन में बड़े बड़े पत्रकारों अजीत अंजुम, आशुतोष, ओम थानवी सहित कई लोगों ने ट्वीट किए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से अपील की। और तो और, रवीश कुमार के समर्थकों और विरोधकों में ट्विटर वार अभी भी जारी है। पंच और डायलॉग्स का एक तूफान सा ट्विटर पर मचा हुआ है, जिनमें से ये लाइन काफ़ी उपयोग में लाई जा रही है कि सेठ के पास बहुत पैसा है लेकिन मैं नहीं हूँ। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि ईमानदारी और सच्ची पत्रकारिता की मिसाल बने रवीश कुमार से हर किसी को कुछ न कुछ सीखने की ज़रूरत है।